एवरीवन, वेलकम बैक टू आर माय चैनल आर अब लोग बीजे। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। अभी आप लोग देख रहे हो कि सुबह सुबह आर अब और पूजो की मस्तियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। ये देखिए, सुबह के 8 बज चुके हैं। सुबह सुबह की शैतानी के बाद मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग कहीं पर जाने वाले हैं। ये आपके लिए सरप्राइज है, व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ बूजो और आरव की मस्तियाँ। हेलो बूजो, क्या कर रहे हो? एक्चुअली ये बोरा जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये बूजो का है। इस पर बूजो ही बैठती है सुबह सुबह। यहीं पर सबसे पहले धूप आती है और यहाँ बूजो बैठ जाती है। पहले तो बूजो ठंड ढूंढा करती थी, अभी धूप ढूंढती है। पहले ठंडी में बैठा करती थी। क्या बूजो के साथ कबड्डी खेलेगा? आरू तेरे साथ कबड्डी खेलेगा? कबड्डी कबड्डी काटेगी तेरे को शैतान कितने। अब ये बूजो का पट्टा है, इसलिए फाइट कर रही है आरू से। ये मेरा पट्टा है, मेरे को दे दे। पैरों को जकड़ लेती है तेरे। क्या हुआ? गुस्सा आएगा। क्या हुआ? देखो कैसे चाट रही है इसको। आरू एक फटाक से गिरा ना, इसलिए चाट रही है। कभी आरू को कुछ हो गया हो, ऐसे बहुत ज्यादा केयर करती है, काटती नहीं आरू को। मेरी वोट जाएगी बूजो को। बूजो बनी विनर। पट्टा छीन लिया बूजो ने तेरे से। मैच खेला और बूजो विनर। नहीं नहीं, बूजो विनर है। आरू के साथ मैच खेला ना बूजो ने। पहली फाइट में तो पूजो विनर थी, और इस वाली फाइट में पता नहीं कौन विनर बनेगा, आरू या बूजो। बूजो बूजो बूजो, अभी मेरी वोट पूजो को गई तो आरू गुस्सा हो जाएगा मेरे से, इसलिए आरू 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 जीतेगा जीतेगा वही जीतेगा आरू जीतेगा। गाइस, आरू ने पट्टा छीन लिया बूजो से, आरू बना विनर। मेरे को भी सांस चढ़ा दिए, अब दोबारा से छीन लेगी। छीन लिया बूजो ने दोबारा से, अब भी नहीं देगी। सो गाइस, आरू के पापा हमें कहीं पर लेकर जाने वाले हैं, हमारे लिए भी सरप्राइज है। चलिए मैं आपको भी दिखा दूँगी हमें कहाँ पर लेकर जाने वाले हैं। चलिए तो लेट्स गो। ये देखिए, यहाँ पर अभी बोपलिए बसे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए इनका रहन सहन कैसा है, ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी सारी भैंसें बंधी हुई है यहाँ पर।
इतनी पूरी गली में भोपलिए ही बसे हुए हैं। देखिए इनके बच्चे खड़े हुए हैं। हर किसी का अपना अपना रहन सहन होता है गाइस। ये देखिए। सो फ्रेंड्स ये देखिए आरू के पापा हमें एक सुंदर से पार्क में लेके आए हैं। देखिए इतना सुंदर पार्क है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, फैमिली पार्क है। चलिए मैं आपको आरू के पास लेके चलती हूँ। यहाँ पर आरू घूम रहा है, फुल मस्ती कर रहा है। हेलो पाइप पड़ा हुआ है पानी के लिए, पौधों में पानी दिया जाता है इसलिए। मैं आपको खजूर का पेड़ दिखाऊंगी, वो बहुत सुंदर पेड़ है। ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है खजूर का, मुझे बड़ा सुंदर लगा इसलिए मैं सोचा कि फ्रेंड्स को भी दिखाती हूँ। उधर आरू फिर से उधर से घूमता हुआ आ रहा है, बहुत बड़ा पार्क है। ये पता नहीं किस चीज का पेड़ है, मुझे बड़ा सुंदर, बट जिस चीज का भी है बड़ा सुंदर पेड़ है, मुझे नहीं पता किस चीज का है। अभी चलते हैं, चलो उधर हमारा सामान भी रखा हुआ है। अरे धीरे धीरे चलो, मैं भी आ रही हूँ। कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। पहले सामान उठा लेती हूँ फिर चलते हैं। अभी सुबह से घर से निकले हुए थे, खाने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं। मैंने उठा लिया है बैंक वाइज। ये इधर हमारी बाइक खड़ी हुई है, सर्दियों में यहाँ पर काम चला हुआ है, जब गर्मियों में काम कंप्लीट हो जाएगा तब आएंगे यहाँ पर। ये भी बोल कर दिखाएंगे आपको। खाने के लिए रेस्टोरेंट देख लेते हैं कोई अच्छा सा। ये देखिए रास्ते में हमें देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा है यहाँ पर, देखिए शिव जी की, और उधर हनुमान जी की प्रतिमा है। देखिए कितनी सुंदर है। आरू के पापा ने उधर बाइक को पार्क कर दिया है, चलिए अंदर जाके देखते हैं। बिल्कुल रियल का एरोप्लेन लग रहा है, देखिए कितना सुंदर है। मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था आइसक्रीम खाने का, वैसे तो ठंडी हो रखी है बट मुझे टेस्टी लगती है और आरू को भी टेस्टी लगती है। आरू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, कैसी लगी, टेस्टी है? तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं पर एंड। तब तक जिसने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।